मोद मंगलमय संत समाज सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, दो बातों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा। पहली बात तो यह, दुनिया में हर आदमी यही मानता है, यही उसका विश्वास है कि मेरा स्वभाव ठीक है और दूसरे का स्वभाव गलत है। जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, दूसरा जो कर रहा है वह गलत है। दूसरी बात, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है। किसी से भी आप पूछें कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं, तो हर आदमी का उत्तर यही होगा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। कोई यह नहीं कहेगा कि मैं नरक जाना चाहता हूं। क्योंकि पुराणों में, महाकाव्यों में हमने पढ़ा है और संतों से, महात्माओं से, नाना मत के पुरोहितों से यह सुना है कि नरक में हर प्रकार से केवल दुख है और स्वर्ग में हर प्रकार से सुख ही सुख है, वहां दुख का नाम भी नहीं है। और स्वर्ग की एक विशेषता यह है, वहां सुख तो सुख है ही, स्वर्ग में रहने वाले कभी बीमार नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते, सदैव जवान। अब जैसा भोग जब चाहो वैसा भोग मिल जाता है। स्वर्ग में रहने वालों को कभी पसीना नहीं आता और टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ता है, चाहे जितना खाओ टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ेगा, अब पसीना नहीं आएगा, केवल अनुकूलता अनुकूलता। अब ऐसी जगह पर कौन नहीं जाना चाहेगा भाई, सब जाना चाहेंगे। वस्तुतः आदमी जो जो नहीं चाहता है और जो जो चाहता है, जो जो चाहता है उन सब की व्यवस्था स्वर्ग में कर लिया है और जो जो नहीं चाहता उनको वहां से खारिज कर दिया है। कल्पना है स्वर्ग, आकाश में कहीं कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं है। लेकिन हर आदमी यही चाहता है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा, मुझे नरक न जाना पड़े और मुझे स्वर्ग ही जाना पड़े, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। तो स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, नरक से बचने का उपाय क्या है, इन बातों पर थोड़ी चर्चा हमें करना है। पहली बात यह, हर आदमी यही मानता है कि मेरा स्वभाव ठीक है और जो मैं कर रहा हूं वह ठीक है। अब प्रश्न यह है, जब हर आदमी का स्वभाव ठीक है, हर आदमी जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो इस संसार में अनाचार कहां से आ रहे हैं, ये संसार में अनेक प्रकार की समस्या क्यों खड़ी हो रही है। हर आदमी अच्छा ही कर रहा है और अच्छा कर रहा है तो उसका परिणाम सबके लिए अच्छा ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हो रही है। कहां हो रही गलती, यही समझने की बात है। हर आदमी का स्वभाव अच्छा है तो ये बताएं, घर घर में कलह क्यों है, विवाद क्यों है, आदमी का मन जल क्यों रहा है, दुखी क्यों है, पीड़ित क्यों है, क्यों अशांत बना है आदमी। अच्छे स्वभाव वालों को तो हर समय शांत ही रहना चाहिए, फिर अशांति क्यों है मन में, पीड़ा क्यों है मन में,
अच्छे काम का फल तो अच्छा ही होगा, और अच्छा काम का फल अच्छा होगा तो मन में पीड़ा नहीं होगी। लेकिन पीड़ा क्यों है मन में, उलझन क्यों है, अशांति क्यों है? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं हम भूल कर रहे हैं और उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हर आदमी अपने स्वभाव को अच्छा मानता है और जो करता है उसे अच्छा मानता है। अब इसकी कसौटी क्या है? कैसे आप कह सकते हैं कि आपका स्वभाव ठीक है, और कैसे आप कह सकते हैं या मैं कह सकता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है? कोई पहचान चाहिए ना, कोई कसौटी चाहिए ना, कोई कसौटी तो होगी ही। ये कसौटी करनी है हमें और आप सबको, और उस कसौटी में हम अपने को कस लें तो सचमुच में घर घर में स्वर्ग अपने आप उतर आएगा। उस कसौटी में अपने को कसते नहीं हैं, इसलिए स्वर्ग की चाहना करते हुए भी आदमी नरक का भोग कर रहा है। आदमी, हर आदमी दूसरे को देखता है, अपने को नहीं देखता। ये गलती तो आदमी की यही है। दूसरे के कर्मों पर जितना ध्यान रखेंगे कोई ना कोई त्रुटि वहां समझ में आएगी। अपने कर्मों को देखें कि मुझसे कहां त्रुटि हो रही है। तो जो हम करते हैं वो बिल्कुल सही है, इसकी कसौटी क्या है, पहचान क्या है? एक कसौटी में कसे, और कसौटी बहुत सीधी है। वो क्या है? जो काम आप करने जा रहे हैं, कोई भी काम हो, जो काम आप करने जा रहे हैं वो काम सही है, कैसे मान लें? सोचें आप, जो काम आप करने जा रहे हैं वही काम आपका बेटा करेगा, आपका भाई करेगा, आपका पिता करेगा, आपकी माँ करती है, आपकी पत्नी करती है, तो आपको कैसे लगेगा? इस कसौटी में कसी है। और यदि यह लगता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं वही काम आपका पिता भाई पुत्र करता है और आपको खराब लगता है, इसका मतलब है आपका काम खराब है। और जो काम आप करने जा रहे हैं वह काम आपका पिता पुत्र भाई पति पत्नी सास बहू ये लोग करते हैं और उस काम से आपके मन में प्रसन्नता होती है तो काम बढ़िया है, निश्चिंत होकर के उस काम को करिए, और क्योंकि वह काम सबके लिए आनंददायक ही होगा। इस कसौटी में कभी कसा है अपने आप को? कहां कस पाते हैं? दूसरे को हम कसौटी में कसते हैं, अपने को कसौटी में नहीं कस पाते। दुख की जड़ यहां है, कलह की जड़ यहां पर है, विवाद की जड़ यहां पर है। अपने को कसौटी में कसें। यही बात आज भी ले लें कि जो बात आप कहने जा रहे हैं वही बात आपकी मां पत्नी पिता पुत्र भाई आपको कहे तो वो बात आपको कैसे लगेगी? क्या उस बात को सुन करके आपका दिल एकदम खिल जाएगा, आनंद से भर जाएगा, और ऐसा लगता है कि वो बात आपके घर के कोई भी लोग कहें और उस बात को सुन करके आपका दिल आनंद से भर जाएगा तो निश्चित वो बात बहुत बढ़िया है, बेधड़क उस बात को आप कह लीजिए और उस बात को सुनकर, जो बात आप कहने जा रहे हैं उस बात को सुनकर, यदि कोई दूसरा आदमी कहता तो उस बात को सुन करके आपका खून खौल जाता तो औरों का भी खून खौलेगा, इसलिए उस बात को कहिए मत, बस यही संभाल लीजिए। लेकिन संभालता कहां है आदमी? वैसे ज्ञान की बात तो हर आदमी जानता है, लेकिन जब समय आता है, जोश आता है, गुस्सा आता है, तब ज्ञान की बातें भूल जाती हैं। ज्ञानी कौन है?
जो खूब पढ़ा लिखा है, खूब अच्छे ढंग से प्रवचन करता है, कई पुस्तकें लिख लेता है, अनेक विषयों का विद्वान है, वो ज्ञानी नहीं, वो विद्वान है, प्रवक्ता है। ज्ञानी कौन? क्रोध के समय आने पर जो अपने क्रोध को संभाल करके शांत रहता है, कैसे भी फिसलन आ जाए, कैसा भी कुसंग आ जाए, जो अपने सही रास्ते से डिगता नहीं है, वह ज्ञानी है, चाहे वह एक अक्षर भी पढ़ा लिखा न हो। जानकारी हमारे पास बहुत ज्यादा है, कौन आदमी नहीं जानता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अपने को गलत से कितने लोग बचा पाते हैं और सही काम में अपने को लगा पाते हैं, जानना काम नहीं करेगा। जितने ये बीड़ी पीने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, क्या उन्हें ये पता नहीं है कि ये बीड़ी तंबाकू सिगरेट बीमारी का घर है? कौन नहीं जानता है, फिर भी खा रहे हैं, ये जानकारी काम थोड़े आएगी। ज्ञान वह है जिसमें गलत का त्याग हो और सच्चाई का ग्रहण हो। आजकल जितनी पढ़ाई लिखाई बढ़ती गई, जितनी तथाकथित सभ्यता बढ़ती गई, आदमी विकास करता गया, उतना ही आदमी अपने साथ दुश्मनी करता गया है। अपने साथ ही नहीं, घर के साथ दुश्मनी, गांव के साथ दुश्मनी, पूरा परिवार साथ दुश्मनी। विकास का अर्थ हो गया अपने गांव घर को बर्बाद करना और स्वयं को बर्बाद करना। जरा सोचें, आज से 30-35 साल पहले जितनी सड़कें आज वर्तमान में है, क्या उतनी 35 साल पहले सड़कें ये आप छत्तीसगढ़ में थी? कहां थी? इतनी नहरें कहां थी? इतना धन कहां थे? या जितना धान आज आप पैदा कर रहे हैं, इतना धान कहां पैदा होता था? खेती के मामले में, सड़क के मामले में, नहर के मामले में, बिजली के मामले में, सब काम में आप विकास करते गए हैं। अच्छा है, बढ़िया है, हर आदमी आज खुशहाल है। अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि किसी को भूखों मरने की नौबत आए। पहले जैसे अकाल पड़ते थे, अब वैसे अकाल भी नहीं पड़ते हैं। उसके लिए सरकार का बहुत प्रबंध है, कुछ न कुछ खाने पीने को हो जाता है। तो सड़क का, बिजली का, पानी का और उत्पादन का, सब शिक्षा का, सबका विकास हुआ। अब इस विकास होने के साथ साथ आदमी अपने बर्बाद करने का रास्ता भी इसी तरह से खोल लिया। ये बताएं, जितनी शराब की दुकान आज आप छत्तीसगढ़ में मिलेगी, क्या 20 साल पहले थी? ये विकास से विनाश की ओर जा रहा है, नहीं जा रहा है आदमी? ये ठीक है कि शराब की दुकान आप में है, आपके गांव में है, आपके ग्राम पंचायत को पैसा मिल जाता है, लेकिन पीता कौन है? आपका बेटा पीता है, आपका भाई पीता है, आपका लड़का पीता है, आपका पिता पीता है, आपका काका मामा पीता है। और बर्बाद कौन होता है? आपका घर होता है ना बर्बाद, आपका गांव बर्बाद होता है। सोचते कहां है? तो विकास भी करता गया आदमी और अपने विनाश भी करता गया। कुछ लोग कहते हैं, महाराज ये बताइए, ये शराब पीना गलत है कि अच्छा है? बहुत लोग शराब पीते हैं, गलत होता तो बहुत लोग शराब क्यों पीते? मैं कहता हूं, देखो भाई, शराब पीना गलत है या अच्छा है, मैं ये नहीं कहता। जिसका पैसा है वो पिए, कौन रोकता? हमसे तो मांगता नहीं है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की बात है, एक अच्छे विद्वान प्रोफेसर भगत घर का लड़का था, कुसंग में पड़ गया और कुसंग में पड़ करके ऐसा शराबी निकला कि सोकर उड़ता था और पहले शराब पीता था तब तो कुल्ला करता था।
और जाता था पढ़ाने में कॉलेज को तो शराब पी करके ही जाता था और पढ़ाता बहुत बढ़िया था, अपने जिस विषय पढ़ाता था बहुत बढ़िया पढ़ाता था, लेकिन उसके कारण शरीर इतना कमजोर हो गया। अब उसके माता पिता पूरे परिवार के लोग एकदम सत्संगी और भगत, अब वो ऐसे अच्छा नहीं है, वो संतों के प्रति निष्ठा नहीं रहता, संतों से वो भी मिलते थे जुलते थे, अब मिलते थे बहुत बढ़िया बात करते थे, लेकिन आदत बन गई। तो एक बार कुछ महात्माओं ने उनसे कहा, देखिए कि आदमी जब बहकता है तो कैसे क्या उत्तर से देता है। जब एक बार महात्माओं ने कहा, भाई आपके माता पिता भगत हैं, आपके भाई लोग भगत हैं, सब परिवार है, आपके यहाँ संतों का आना जाना होता रहता है, सब बढ़िया है, आप खुद विद्वान प्रोफेसर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप शराब पीते हैं, आप शराब क्यों पीते हैं? तो उन्होंने कहा था, क्या शराब पीने का पैसा आप देते हो? वो उनका उत्तर था। अब ऐसे आदमी को कौन समझा सकता है? तो शराब पीने वाले हमसे पैसा नहीं मांगते हैं, अच्छा है अपनी कमाई का पैसा पैसे से शराब पीते हैं, अच्छा है गलत? मैंने कहा अच्छा है गलत मैं नहीं कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं उनसे, ये पूछिए ठीक, आप जितना पीना हो उतना पियो, खूब पियो, लेकिन मेरा प्रश्न यह है, आपका बेटा शराब पीने लगेगा तो आपको कैसे लगेगा, बस ये समझ लो। यदि आपका बेटा शराब पीने लग गया आपको बड़ी खुशी होती, वाह बेटा तू मेरा उत्तराधिकारी है, मेरे मरने के बाद तो मेरा घर खेत खलिहान सब तुम्हारा होगा, मेरे नाम को रोशन करना बेटा, मैं तो एक बोतल शराब पीता हूं, तू दिन भर में दो बोतल शराब पीना। यदि कोई पिता ऐसा कहता है तो मैं कहता हूं शराब पीना अच्छा है, फिर खूब पियो शराब, कौन मना करता है? और यदि आपका बेटा शराब पी रहा है, आपका भाई शराब पी रहा है, आपका पचास शराब पी रहा, अब मान लो आपको देखा देखिए आपकी पत्नी शराब पीने लग जाए तो क्या करोगे? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, तो अंधे आदमी शराब क्यों पीते हो फिर? ऐसे लोग अंधे नहीं है क्या? इससे बड़ा अंधा और कौन होगा? तो क्या गलत है क्या सही है कि कसौटी अपने आप से क्यों नहीं करते? जो करने जा रहे हो वही काम आपके घर वाले लोग करने लग जाए तो कैसे लगेगा आपको? बस इस कसौटी में कस लो, कोई भी काम हो, काम करना हो, बीड़ी पीना हो, सिगरेट पीना हो, जुआ खेलना हो, चोरी करना हो, जो भी उस कसौटी में कसो अपने आप को, और अच्छा लगता है फिर आराम से करो। आदमी जोश में रहता है, आगे पीछे सोचता नहीं है, और जब उसी रास्ते पर उसके घर वाले चलते हैं, उसी रास्ते पर उसके परिवार वाले चलते हैं, उसके बेटे बहू चलते हैं, तब कहते हैं कलयुग का जमाना आ गया। कलयुग का जमाना, कलयुग तो खुद पहले हो गए हो कलजुगी, तभी तो आपके बेटे वैसे कलजुगी निकल रहे हैं। संभालो उसको, अपने को पहले संभालो, अपने को संभाल लो, और लोग संभले या ना संभले पहले अपने को तो संभालो, अपने को संभालो और उसके पश्चात दूसरे को रास्ता बताओ। मानेगा तो उसकी भलाई होगी, नहीं मानेगा तो उसकी बुराई होगी, उसे दुख होगा, लेकिन हम अपने को तो बेच रहे हैं रात दिन, अपने को बिखेर रहे हैं रात दिन, और दूसरों को चाहते हैं सब अच्छे निकल जाए। अपने तो बने हुए हैं हर नाकुश, और सोचते हैं हमारा पिता राम, हमारा बेटा राम जैसा आज्ञाकारी हो जाए, कैसे होगा? स्वयं उसी हिसाब से अपने को ढालो तो नहीं ढालना चाहते हैं लोग, सोचते हैं कि हम तो अच्छे हैं ही, भाई अच्छे हैं तो जीवन में दुख क्यों है? बाहर ना कसौटी करो तो अपने मन को तो झांक करके देखो कि मुझे दुख का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव होता है कि सुख शांति का अनुभव होता है, क्या अनुभव हो रहा है मेरे अंदर? दुख है, क्लेश है, पीड़ा है, अशांति है, तो निश्चित ही है हमारा बोलना, हमारा करना, हमारा खाना, हमारा बात, हमारी बात, हमारा व्यवहार, कहीं ना कहीं हम त्रुटि करते चले जा रहे हैं। अब यही
पूजा करने का, पाठ करने का, भगत होने का, सत्संग करने का, मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का फल यही होना चाहिए। सत्संगी आदमी ना सुधरे, भगत आदमी ना सुधरे, धार्मिक आदमी ना सुधरे तो और कैसे सुधरेगा वो? दूसरों कहते तुम लोग सब शांत रहो, जोर से ना बोलो, झगड़ा ना करो, कलह ना करो, अब खुद कलह कर रहे हैं, कैसे होगा? एक माता जी बड़ी सत्संगी, प्राय सत्संग में जाया करती थी, लेकिन बात बात में बच्चों को डांटती थी। एक दिन सत्संग में गई थी, शाम को लौटी, अंधेरा हो गया था, घर में उसके छोटे छोटे जो बच्चे थे 10-12 साल के, वो कमरे में बत्ती जला करके पढ़ रहे थे। बाहर से जो नगर पालिका का जो पंचायत का पानी आने का समय था, तो पानी आया था, नल खुला हुआ था, पानी बह रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे या बातचीत कर रहे थे, ध्यान नहीं दिए। वो माँ आई, देखी कि पानी बह रहा है, टूटी गई खुली हुई है, तो झल्ला गई। अब बच्चों को उल्टा सीधा कहने लगी, डांटने डपने लगी, तो छोटे भाई ने बड़े भाई कहा, भैया लगता है माता जी कचहरी से आ रही है, अभी सत्संग में गई थी तो शांत तो रहना चाहिए, कम से कम नल बंद कर देती और प्यार से कहती, बेटे तुम लोग पढ़ रहे हो, घर में हो, देखो टोटी खुली हुई है, पानी बह रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, प्यार से समझाती तो बच्चों को लगता हाँ माँ सत्संग में गई थी, कुछ तो कुछ सुधर करके आई है। अब बस आते ही झल्ला गई, डांटने डपटने लग गई, तो क्या हुआ? एक अच्छे सत्संगी भक्त थे, रोज सुबह शाम मंदिर जाते थे और पूजा करते थे, कहीं आपका सत्संग होता था तो वहां भी बराबर जाया करते थे, और जिसे धर्म के काम कहते हैं वो सब धर्म के काम भी किया करते थे। उसका एक ही बेटा था, लेकिन उसका बेटा कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी पूजा नहीं करता था, कभी सत्संग में नहीं जाता था, कभी संतों के पास बैठता नहीं था। उसने बहुत समझाया अपने बेटे को, लेकिन बेटे के दिमाग में बात नहीं बैठी। उसे बड़ा दुख होता था कि मेरे जैसे आस्तिक आदमी के यहां ये नास्तिक लड़का पैदा हो गया, कभी मंदिर नहीं जाता, न पूजा करता, न भगवान सामने हाथ जोड़ता, न संतों के पास बैठता, न सत्संग करता। अनेक बीच बीच महात्मा लोग आते थे, उनसे कहते भाई बेटे समझा दो, मैं इतना पूजा करता हूं, इतना करता हूं, ये कुछ नहीं करता, समझा, लेकिन कुछ माना नहीं लड़का। एक बार उनके यहां एक महात्मा का आगमन हुआ, भगत जी ने महात्मा के लिए आसन लगाया, खाने पीने की व्यवस्था की, ये सब किए। जब महात्मा जी निवृत्त हो गए, आराम कर लिए, तो भगत जी ने कहा, महात्मन मेरा एक ही बेटा है, अब बड़ा नास्तिक लड़का है, मैं सुबह शाम के घंटा रोज मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, आरती वंदना करता हूं, आस पास में सत्संग होता है तो शायद ही मैं कभी छोड़ता हूं, नहीं तो रोज मैं सत्संग भी करता हूं, संतों की सेवा करता हूं, मेरा बेटा कुछ नहीं करता, इस बात का मुझे दुख है, आप मेरे बेटे को समझा दें कि बेटा कम से कम सत्संग में जाया कर, संतों के पास बैठा तो करे। तो महात्मा ने कहा ठीक है, लड़का आएगा, मेरी बात सुनेगा, तो समझाने की कोशिश करूंगा, देखते देखो क्या होता है। वो भगत जी तो चले गए काम से। 2 घंटे के बाद लड़का बाहर से आया, अपना हाथ मुंह धोया, जलपान किया, देखे कि घर में एक महात्मा आए हैं, गए प्रणाम किए और बैठ गए। इधर उधर महात्मा ने उनसे इधर उधर कुछ बात पूछी, फिर बात पूछते पूछते फिर महात्मा ने कहा कि बेटे तुम्हारे पिता तुम्हारी शिकायत कर रहे थे कि तुम कभी सत्संग में नहीं जाते, संतों के पास नहीं जाते, पूजा नहीं करते, कोई आरती वंदना नहीं करते, क्या ये बात सही है? तो लड़के ने कहा हाँ महात्मा, पिता की जो शिकायत है बिल्कुल सही है, पिता ने एकदम सही बात कही है, मैं मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, आरती वंदना नहीं करता, सत्संग में नहीं जाता, महात्माओं के पास नहीं बैठता,
तो महात्मा ने कहा, तुम्हारे पिता इतने पुजारी, इतने सत्संगी, ऐसे संतसेवी भगत, अब तुम ऐसे क्यों करते हो? इस बात को लेकर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तो देखो, उस लड़के ने कहा, महात्मन, इसका कारण तो पिताजी हैं। ये कैसे? तो लड़के ने कहा कि निश्चित ही पिताजी रोज सुबह शाम मंदिर जाते हैं कि घंटा पूजा करते हैं। आपका सत्संग होता है तो पिताजी बराबर सत्संग में जाते हैं, संतों की सेवा भी करते हैं, लेकिन घर में जितना झगड़ा पिताजी करते हैं उतना कोई नहीं करता है। अरे जब झगड़ा करना ही सीखना है तो कचहरी जाकर सीखूंगा कि सत्संग में जाकर सीखूंगा? क्या जरूरत है फिर सत्संग में जाने की? आप लोग यहां आए हो, किस लिए आए हो? सत्संग सुनने के लिए आए हो ना? और सत्संग सुनने क्यों आए हैं? कि जाएंगे गुरुजी, महात्मा लोग ज्ञान की बात बताएंगे, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसकी सीख बताएंगे, व्यवहारिक जीवन, परमार्थिक जीवन कैसे सुखद हो, मनुष्य जीवन को जो लक्ष्य कैसे प्राप्त हो, सुख से रहने का, शांत रहने का तरीका बताएंगे, इसलिए आए हैं। आप लोगों के मन में बड़ी भक्ति भावना है, श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। आप लोग इतनी दूर से गर्मी में आए हैं, ये आप सबकी भक्ति भावना और श्रद्धा की ही पहचान है। लेकिन जरा एक कल्पना करो, और अभी क्या होगा? आप लोग यहां बैठे हैं, आपके घर में कोई अभी इस समय जाए और आप लोगों के बारे में पूछे कि वो कहां है, तो घर वाले बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ बताएंगे, वो तो करही भदर आश्रम में सत्संग हो रहा है, गुरु जी आए हैं तो गुरु जी दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए गए, उन्हें बताने में बड़ी खुशी होगी। लेकिन अब दो दिन आप सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद आप लौट करके घर गए, घर में देखा कि लड़के ने, बहू ने, सास ने, नौकर ने, या पत्नी ने, या पति ने, या किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया है, कुछ नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गई है, कोई चीज फूट गई है, कोई गड़बड़ी हो गई है। उस गड़बड़ी को देखकर यदि आप शांत रह गए, बोले नहीं, बोले भी तो प्यार से बोले, मिठास से बोले, और कहे कोई बात नहीं, गलती हो गई, नुकसान हो गया तो होता जाता रहता है, फिर काम करेंगे तो फिर गलती सुधर जाएगी, बनी हुई टूटी हुई चीज फिर दूसरी आ जाएगी, तब घर वालों लगेगा कि हाँ, सत्संग हमारे पिताजी, हमारे बेटे, हमारी सास, हमारी माँ, हमारी बहू, ये लोग सत्संग में गए थे तो स्थिति सुधार करके आए। अब इसकी विपरीत आपने देखा कि कुछ नुकसान हो गया है, कुछ गलती हो गई है, अब घर में गए और गलती को देखते ही आप क्रोध से भभक पड़े, तो सोचेंगे साहब लोग यही बताए क्या इन लोगों को, आपकी बदनामी और साहब लोगों की बदनामी होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन में? तो कम से कम अपने को तो कसें, अपने को तो सुधारें। इतना ज्ञान सुनते हैं, भक्ति की बात सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, और जीवन जहां के तहां कोई परिवर्तन नहीं। कहा महात्मा भाई कहेंगे, अरे साहब लोग तो कहते तो भाई ठीक ही है, लेकिन हम तो घर गृहस्थी आदमी है, सब प्रकार की काम करना पड़ेगा। तो सब प्रकार का काम कर तो करो, लेकिन लड़ाई भी करना पड़ेगा, लड़ाई जरूरी है क्या घर में रहने के लिए? गाली बकना जरूरी है क्या घर में रहने के लिए? कि क्रोध करना जरूरी है घर में, झूठ बोलना जरूरी है घर में रहने के लिए? इनका तो सुधार करो। महात्मा लोग ये नहीं कहते कि आप घर द्वार छोड़ दो, जिस घर में रहते हैं उसी घर में सुंदर ढंग से रहे, लेकिन सुनते हैं सब के सब और रहते हैं जहां के तहां। दो भाइयों में विवाद हुआ तो विवाद बढ़ गया, बंटवारे की नौबत आ गई, बंटवारा हो गया, पंचों को बुलाए, पंचों ने बंटवारा कर दिया। देखो भाई, यहां तक की जो जमीन है ये बड़े भाई की है, यहां तक की जमीन छोटे भाई की है, बंटवारा कर दिया। बंटवारा के दो दिन पश्चात बड़े भाई ने छोटे भाई की तरफ दो हाथ खूंटा बढ़ा करके गाड़ दिया। छोटे भाई ने कहा कि भैया, बंटवारा यहां से हुआ है, ये लाइन है, आपने खूंटा मेरे तरफ दो हाथ बढ़ा करके गाड़ दिया है, इस खूंटे को उखाड़ करके जहां पंचों ने लाइन की है वहां गाड़े। कहे ठीक है, उखाड़ दूंगा। दो दिन बीत गए, नहीं उखाड़ा। कई बार कहा छोटे भाई ने, नहीं उखाड़ा।
तब छोटे भाई ने पंचायत बुलाई, पंच लोग आए, देखे दाखे, तो बड़े भाई कहा भाई कि देखो यहां से बंटवारा किया गया, यहां से लाइन की गई है, तुम खूंटा आगे बढ़ा दिए हो, इसे खूंट इसे उखाड़ लो, उखाड़ कर यहां बिगाड़ दूंगा। ठीक है, उखाड़ दूंगा। तो चले गए, लेकिन खूंटा उखाड़ा नहीं। जब नहीं उखाड़ा तो छोटे भाई ने फिर बुलाए, तो पंचों ने कहा कि भाई तुम लोग ने तुमसे हम लोगों ने कहा था ये खूंटा यहां दुखा करके यहां गाड़ो, खाड़ते क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा क्या हम लोग बात मानते नहीं, हमारे बात मान्य नहीं है। तो बड़े भाई ने कहा देखो पंचों की बात सिर पर, खूंटा अपने दर पर। आप लोग पंच हैं, आपकी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन खूंटा अपने दर पर रहेगा, जहां का तहां रहेगा। तो मतलब क्या हुआ गुरु जी, ये महात्मा लोग बढ़िया बढ़िया बात कर लेंगे, हम तो जहां के तहां रहेंगे, खूंटा अपने दर पर ही रहेगा, तो मतलब क्या होता है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा स्वभाव ठीक है, हमारा काम ठीक है, इसकी कसौटी क्या है। कसौटी यही है कि जैसा हमारा स्वभाव है ऐसा ही स्वभाव हमारे घर के अन्य लोगों का हो तो हमें कैसे लगेगा। जो काम हम करने जा रहे हैं यही काम घर के अन्य लोग करें तो हमें कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा। निश्चिंत होकर के निर्भय पूर्वक वो काम को करो, बुरा लगेगा, खराब लगेगा, तो उस काम को करने के पहले विचार लो, क्योंकि उस काम से औरों को भी दुख होगा, औरों को भी कष्ट होगा, औरों को अच्छा नहीं लगेगा और व्यवहार बिगड़ जाएगा। इसलिए कसौटी कर ले, और कसौटी में जब कष्ट करेंगे तो बिगाड़ नहीं होगा, सबका मन प्रसन्न रहेगा, सबके मन में आनंद की धारा बहती रहेगी, और आनंद धारा बहती रहेगी तो आपके घर में स्वर्ग अपने आप आ जाएगा, आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम अपने को सोटी में कसते कहां हैं, दूसरों को कसते हैं, और दूसरों को कसेंगे तो उनमें त्रुटि दिखाई पड़ेगी। दूसरों को न कसें, अपने को कसें, हर आदमी अपने को कस ले, अपने को सुधार ले, तो समस्या रहेगी कहां, विवाद होगा कहां। ज्ञान की बातें पहले हमारे लिए होती है, तब औरों के लिए। तो जितना हम जानते हैं, काम भरे का बहुत जानते हैं, जो जानते हैं कि ये गलत है उसका त्याग कर दें, ये अच्छा है उसको जीवन में उतार लें। आदमी के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठा करते हैं, अनेक प्रकार के विचार उठा करते हैं, कभी अच्छे काम करने का विचार हो जाता है, कभी गलत काम करने का विचार हो जाता है। आदमी तो संगत का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, देख सुनकर प्रभाव पड़ता है, पढ़ लिख करके प्रभाव पड़ता है, अपने ही पूर्व के संस्कार उदित हो जाते हैं। कब कैसे ख्यालात मन में आ जाए, कैसे विचार मन में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी गलत ख्याल हो गया मन में, गलत काम करने का मन हो गया, कभी अच्छे काम करने का मन हो गया, तो क्या करें। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि आपके मन में कोई गलत काम करने का विचार उठ गया और आपका यह निश्चय होता है ये काम को मुझे करना है, ठीक है आप करो, लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना है गलत काम करने का विचार मन में उठे तो उसकी शुरुआत आज नहीं, उस सोना आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, बस इतने टाल दो। जब जब मन में गलत काम करने का विचार उठे तो ये सोचो ये काम आज नहीं कल करूंगा, जिंदगी भर आप गलत काम से बचे रह सकते हो। और जब जब मन में अच्छे काम करने का विचार उठे तो उसकी शुरुआत आज से कर दो, जिंदगी भर अच्छे काम में आप लगे रह सकते हैं। बड़ा सरल रास्ता है सुख का और शांति का, कल्याण का, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है इधर। ये कोई बहुत गूढ़ बात नहीं है कि इतने ऊंची ऊंची बात महात्मा लोग बता रहे हैं हम समझ ही नहीं पाते, ये तो अनाड़ी तनाड़ी आदमी भी समझ सकता है। और यहां से शुरुआत कर लेना तो आगे की जो ऊंची ऊंची बातें हैं ये भी समझने में बड़ी आ जाएगी, और वो काम करने के लिए भी अपने में हिम्मत होगी। यहां से शुरुआत करो और कसौटी पर अपने आप में कसो। दूसरी बात तरफ आए कि हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, नरक कोई जाना नहीं चाहता।
लेकिन स्वर्ग का रास्ता क्या है, स्वर्ग जाए कैसे? और किसी से मैंने कहा था कि किसी से पूछो कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो कि नरक जाना चाहते हो, तो हर आदमी यही कहेगा कि मैं स्वर्ग जाना चाहूंगा। अब दूसरा प्रश्न से ये कर दो, ठीक है स्वर्ग जाना चाहते हो तो बताओ स्वर्ग कब चलना चाहते हो, तो कहेगा मुझे मार डालोगे क्या? जाना चाहेगा आदमी जरूर स्वर्ग, लेकिन पूछो कब जाना चाहोगे तो कहेगा अभी अभी मार डालोगे क्या? अरे भाई स्वर्ग तो मरने पर मिलेगा ना, जीते जी कैसे मिलेगा? स्वर्ग जाना चाहते हो तो मरना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहर खा करके आत्महत्या कर लो पहुंच जाओगे स्वर्ग में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टैंक नीचे कर जाओ या फांसी लगा करके मर जाओ, मैं ऐसे मरने के लिए नहीं कर रहा हूं। स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में रहना चाहते हैं, स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो मरना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे मरना पड़ेगा? स्वर्ग जाना चाहते हैं तो अपने अहंकार को मार लीजिए, बस स्वर्ग मिल जाएगा। और जब तक अहंकार नहीं मरेगा तब तक कितना पूजा करो, कितना पाठ करो, कितना हवन तर्पण करो, कितना नाम जपो और कितने देवी देवता को मनाओ, कोई आपको स्वर्ग नहीं दे सकता, नरक में जीना पड़ेगा। भगवान क्या करेगा, देवी देवता क्या करेंगे? कोई भगवान को पुकार लो, एक नहीं एक करोड़ भगवान आ जाए और हमारे मन में अहंकार है तो हमें ये सब एक करोड़ भगवान मिलकर स्वर्ग में नहीं भेज सकते। भगवान तो है नियम, सर्वत्र नियम है, नियम का पालन करें और सब हमारी शांति में, हमारे कल्याण में, हमारे स्वर्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार। अपने को मार डालें, अपने को एकदम विनम्र बना लें, सहनशील बना लें, बस आपके जीवन में और आपके घर परिवार में स्वर्ग का आनंद अपने आप आ जाएगा, स्वर्ग की धारा अपने आप बहने लगेगी। लेकिन हमारा अहंकार झुकने को तैयार नहीं होता है। लोग कहते हैं मैं टूट भले सकता हूं झुक नहीं सकता। रावण को उसके मंत्रियों ने, उसके भाइयों ने, कुल परिवार वालों ने, मंदोदरी ने, सब ने समझाया कि हट मत करो, राम से मित्रता कर लो और सीता राम को लौटा दो, फिर राम लौट जाएंगे, लड़ाई नहीं होगी। सब ने समझाया तो वहां पर रावण कहता है, ये वाल्मीकि रामायण में आता है कि मैं टूट सकता हूं झुक नहीं सकता। और परिणाम क्या हुआ, सचमुच में रावण झुका नहीं तो परिणाम क्या हुआ, टूट गया। अपना तो नहीं टूटा, कुल परिवार ही टूट गया पूरा का पूरा। और ये कहावत हो गई, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। एक रावण के अहंकार ने पूरी लंका का विनाश कर डाला, एक दुर्योधन के अहंकार ने पूरे कौरव कुल का विनाश कर डाला। कौरवों ने, पांडवों ने कहा था दुर्योधन हमें हमारा आधा राज्य वापस नहीं करता, कोई बात नहीं, हमें दुर्योधन केवल 5 गांव दे दे, हम संतोष कर लेंगे, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा था बिना लड़ाई के सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। सब समझाए लेकिन दुर्योधन का अहंकार, उसका हट झुकने को तैयार नहीं हुआ। परिणाम सब जानते हैं, लड़ाई चल रही थी महाभारत की, कई दिन बीत गए थे, एक दिन लड़ाई के मैदान से दुर्योधन अपने घर में आए सोने के लिए। रात के समय सोते समय उसकी उनकी पत्नी, दुर्योधन की पत्नी भानुमती ने पूछा, पतिदेव लड़ाई जैसी चल रही है, क्या आपको लगता है कि लड़ाई में आपकी विजय हो जाएगी? तो दुर्योधन ने कहा कि भानुमती अब तो लड़ाई छिड़ ही गई है, लड़ाई के परिणाम जो भी हो, बिना लड़ाई का अंत हुए, बिना लड़े मैं पांडवों को सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दे सकूंगा, जो होना होगा होगा। तब फिर अंत में दुर्योधन ही कहता है भानुमती लड़ाई का परिणाम जो भी होगा होगा, तुमसे एक बात मैं कह देता हूं। कि क्या?
दुर्योधन अपनी पत्नी से कहते हैं, तुमसे एक बात में कहता हूँ, लड़ाई का परिणाम क्या होगा, तो ये तो बात कौन हारे कौन जीता गए ये तो बात अलग है, तुमसे एक बात में कहता हूँ, क्या है, तुम विधवा होने की तैयारी कर लिए रहना। ये हठ ये अहंकार स्वर्ग आएगा, इसलिए अपने को झुकाना पड़ेगा, अपने अहंकार को मारना पड़ेगा, हठ को छोड़ना पड़ेगा और छोड़ करके विनम्र बनना होगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सब ते लघुता भली लघुता ते सब होए, जह द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सबको। विनम्रता है, अपने मन को अपने अहंकार को मार लेने पर ही जीवन का सच्चा आनंद आता है, स्वर्ग मिलता है, कल्याण की प्राप्ति होती है। कहीं भी सुख में शांति में स्वर्ग में मोक्ष में कहीं भी बाधक है तो हमारा अहंकार ही बाधक है। जब तक यह अहंकार का विलय नहीं होगा, अहंकार गलेगा नहीं, तब तक न हम व्यवहारिक जीवन में सुखी हो सकते हैं न पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं। इसलिए किसी का भी अहंकार हो, तन का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, विद्या का, सबके अहंकार को मिटा करके अपने आप को झुकाना सीखें, विनम्र बनें।